नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि YouTube को आप लोग अपडेट कैसे करोगे। अगर आप लोग YouTube का यूज करते हो तो उसे समय समय पर अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई YouTube का नया अपडेट आता है तो उसमें आप लोगों को नए नए फीचर हमेशा देखने को मिलता है। इस बार भी YouTube का नया अपडेट आ चुका है जिसमें आप लोगों को बहुत सारे नए नए फीचर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक YouTube को अपडेट नहीं किए हो तो कैसे करोगे मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को जानना या सीखना हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा। ऊपर में आप लोग सर्च बार मिल जाएगा, इसमें आप लोग सर्च कर लेना होगा YouTube। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने YouTube सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि YouTube आ चुका है और इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.2 को इसकी रेटिंग मिला है और 95 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को रिव्यू दिया है और 5 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड किया है या इंस्टॉल किया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका न्यू अपडेट आ चुका है। तो अगर आप लोग को अपडेट करना होगा तो यहाँ पे आप लोग अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आप लोग के मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यह जो अपडेट है लगभग 10 से 11 MB का, यानी 10.41 MB का है, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, तो इसे आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपडेट डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो YouTube होगा वो पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है अपडेट करना। अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस बार भी आप लोग को बहुत सारे नए नए फीचर इसमें देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।